हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं कान्हा जी की सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम तुलसी के पत्ते कान्हा जी के लिए प्रसाद के रूप में ले लेंगे। फिर हम थोड़े से फूल भी उनके लिए ले लेंगे उनकी पूजा के लिए। फूल लेने के बाद फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ी सी सर्दी सी होने लग गई है। तो हम कान्हा जी को थोड़ा से गर्म पानी से नहलाएंगे, मतलब हल्का सा सील गर्म होएगा। तो ये कान्हा जी के लिए हम पानी गर्म कर लिया है। अब हम कान्हा जी के लिए पानी लेके जाएंगे। फिर हम कान्हा जी के कपड़े तैयार करेंगे कि कान्हा जी को आज कौन से कपड़े पहनने हैं। जैसे आज मंगलवार है तो हम रेड ड्रेस पहनाएंगे कान्हा जी को, इस कान्हा जी को। और ये है कान्हा जी का ज्वेलरी बॉक्स, इसमें से हम मैचिंग की ज्वेलरी रखेंगे कान्हा जी के लिए। और ये रहे हमारे कान्हा जी, जो अब तैयार हो गए हैं नहाने के लिए। लोटे में हम थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करेंगे, आप सादा पानी भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें हम थोड़े से फूल डालेंगे। फूल डालने के बाद हम कान्हा जी के जो रात के वस्त्र हैं तो हम उनको खोलेंगे। फ्रेंड्स, मैं बाउल लेती हूँ कान्हा जी को नहलाने के लिए। इसमें हम चंदन से स्वास्तिक बना के इसमें तुलसी का पत्ता और फूल, थोड़े से फूल डालेंगे। और आप कान्हा जी को इसमें विराजमान करा के स्नान करवा सकते हैं। और स्नान कराते हुए आप कोई सा भी मंत्र बोल सकते हैं, जैसे मैं कभी बोलती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद मैं कान्हा जी को थोड़ा सा चंदन, अभयरंग और थोड़ा सा शहद से मिक्स करके नहलाती हूँ, जिससे कि कान्हा जी चमक जाते हैं और वो खुश भी हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप कान्हा जी के ऊपर पानी डालिए। ये देखिए कान्हा जी कैसे चमक से गए हैं। फ्रेंड्स, कान्हा जी की सेवा हम सब कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें हम बिल्कुल सरल तरीके से हम कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं। ये तो मन का भाव होता है, कान्हा जी को जिसके पास आना होता है वो आ जाते हैं। हम बिल्कुल सरल प्रेम भाव से हम कान्हा जी की सेवा करें और इनको भोग लगाएं। हम बगैर प्याज लहसुन से कान्हा जी को भोग लगाते हैं। अब कान्हा जी ने कपड़े पहन लिए हैं, अब हम इनको थोड़ा सा इत्र सेवा करेंगे। इत्र लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि ये पूरा दिन खुशबू से महके रहें। फ्रेंड्स, जैसा मन में भाव होता है आप अपने कान्हा जी को वैसे तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कुछ स्पेशल ही हमें तैयार करना है, बस जैसे जैसे मन में भाव होता है, जैसे जैसे हमारे मन में कान्हा जी को सजाने के प्रति कि हाँ हम अपने कान्हा जी को ऐसे सजाएंगे, ऐसे सेवा देंगे, ऐसे तैयार करेंगे, बस आप वैसे उनको तैयार करते जाइए। जैसे कि मैं डेली कान्हा जी को अपने भाव से तैयार करती हूँ कि हाँ आज कान्हा जी पर ये वाली ड्रेस अच्छी लगेगी, ये वाली ड्रेस कान्हा जी पर बहुत सूट करेगी। और हम मैं ज़्यादातर जैसे सोमवार मंगलवार को देखते हुए कान्हा जी को ड्रेस धारण करवाती हूँ। और मैं कान्हा जी को तुलसी की माला हमेशा धारण करवाती हूँ, क्योंकि जैसे किसी कारणवश हम तुलसी का भोग प्रसाद पत्ते ना तोड़ पाएँ तो मेरे कान्हा जी भूखे ना रहें, कि जो भी मैं भोग प्रसाद बनाऊँ वो तुलसी की माला के साथ ग्रहण कर सकें। और फ्रेंड्स, मैं कान्हा जी को बाल और पगड़ी इसलिए ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम में बहुत गर्मी सी होती है,
तो मैं कान्हा जी को बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से तैयार करती हूँ। अगर कहीं बाहर जाना हो तो मैं उनको पगड़ी और बाल लगाती हूँ, उसे घर में मैं उनको सिंपल से ही तैयार करती हूँ। और मैं कान्हा जी को सुबह मतलब जैसे वो नहा लेते हैं तो उनको मिश्री और ड्राई फ्रूट का भोग लगाती हूँ और साथ में पानी रख देती हूँ कि उनको थोड़ी सी भूख लगे तो वो ग्रहण कर लें। उसके बाद मैं आरती करती हूँ। आरती करने के बाद मैं कान्हा जी का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ पूजा अर्चना करने के बाद। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। राधे राधे।